दुकानदार की तो मेरा नाम जवाहर सलीम है। कहाँ गई बिजली? अब आप बताएं आपका नाम क्या रखें। मुल्क भर में बिजली का बहरान बढ़ गया। शॉर्टफॉल 3900 मेगावाट तक जा पहुंचा। कई इलाकों में 16 से 18 घंटे से जायद लोड शेडिंग। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की बंदिश। शहरी बिल बिला कर रह गए। बिजली क्यों जा रही है? नेप्रा की तहकीकाती टीम कराची पहुंच गई। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोड शेडिंग का जायजा लेगी। पीपल्स पार्टी के जमाने में सिर्फ 2000 रुपए मिनिमम वेज पड़ी थी। हमने 10 से लेकर 15 पे ले गए। 50% हमने इंक्रीमेंट दी है। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि 15,000 में किसी का बजट नहीं बन सकता। मैं नहीं बना सकता हूँ। मैं सच्ची बात बोलूंगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 15,000 रुपए महाना आमदनी में घर का बजट नहीं बन सकता। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का समा को खुसूसी इंटरव्यू में एतराब। कहा हुकूमत से एक पुलिस स्टेशन नहीं चलता तो एयरलाइन और पेट्रोल पंप चलाने की क्या जरूरत है। मुल्क में लोड शेडिंग खत्म होने का दावा भी कर दिया। ये तकरीबन 60% पाकिस्तानी आवाम जो है उसको लोड शेडिंग फ्री कर रहा है। निसार साहब, मरियम नवाज और उनका जो कोर ग्रुप था, इनकी जो भी एक पॉलिटिकल सोच थी उस सोच के साथ वो इत्तेफाक नहीं करता था। चौधरी निसार साहब को जितना सख्त कर दिया गया है वो उसमें सीएम साहब की अपनी विल है। हाउस ऑफ शरीफ में ताकत की जंग। घर के भेदी ने लंका ढा दी। नवाज शरीफ के लंदन इजलास से पहले रात 2 बजे वाली मुलाकात में कौन कौन था, किस किस ने शहबाज शरीफ को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया। तहमीना दुरानी के पर्सनल सेक्रेटरी का समा को तहलका केस इंटरव्यू। जुबैर महमूद कहते हैं चौधरी निसार की पार्टी मुखालफत तयशुदा है। जो कुछ कर रहे हैं शहबाज शरीफ की हिदायत पर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं चाहते कि मरियम नवाज आगे। ब्लैक मेल होने वाली औरत नहीं, मुझे कोई ब्लैक मेल ना करे। सर ने समझा है ये मुझे ब्लैक मेल करेगा तो ही इज वेरी मिस्टेकन। जुबैर महमूद का ताल्लुक गरीब घराने से था। उसके वालिदैन को उम्रा कराया, कभी मुलाजिम नहीं समझा। शहबाज शरीफ की अहलियत अहमीना दुरानी का समा पर पहला रद्देअमल। कहा उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। चौधरी निसार हमारे घर का फर्द है, उन्हें नवाज शरीफ से पहले से जानती हूँ। मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब कुछ प्लांटेड हो रहा है। नवाज शरीफ की तनख्वाह के बारे में भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। यानी जिस इल्ज़ाम के तहत एक मुंतसब वज़ीर-ए-आज़म को आप निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया है, उसका भी सबूत नहीं मिला। जिस इल्ज़ाम पर नाहल किया उसका भी सबूत नहीं। ये केस नहीं, एक फ्रॉड है। एक एक करके तफ्तीशी रिपोर्ट के पोल खुल रहे हैं। वाजिद ज़िया साहब, ये कौम आपसे हिसाब लेगी। नवाज शरीफ कहते हैं चौधरी निसार के बारे में कौम सब जानती है। ये भी कहा समा को इंटरव्यू देने वाले शख्स को नहीं जानते। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। इमरान खान भाई को भाई से अलहदा करने की साजिश कर रहे हैं। ये जो साजिश वो कर रहे हैं ना भाई को भाई से अलहदा करने की, इंशाल्लाह ये पहले भी नाकाम हुई और हमेशा नाकाम। कौन से मंसूबे बन गए हैं शैतान की आंत, आज खुलेगा राज। देखिए समा की स्पेशल ट्रांसमिशन पोस्टमार्टम शाम 5 बजे से 7 बजे तक सिर्फ समा पर। बिगड़ा वजीर आजम की तलाश तेज। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान तीसरी अहम मुलाकात। किसके हक में कुर्रा निकलेगा? खुश नसीब का नाम मई के पहले हफ्ते में सामने आने का इम्कान। 40-40 साल केसेस चलते हैं, हम सही तरीके से इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे। चीफ जस्टिस का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा हम कानून साजी नहीं कर सकते, हमें मौजूदा कवानीन पर ही अमल करना है। कराची में सिटी कोर्ट के मालखाने में खौफ नाका। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। शहर भर के फायर टेंडर्स ने 4.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सिटी कोर्ट में आज तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी।
फेसबुक पर जाली अकाउंट्स, पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग का इंकशाफ। मार्क जकरबर्ग अमरीकी कानून साजों के सामने पेश हो गए। कहा, हम ऐसे तमाम जाली अकाउंट्स पर नजर रखे हुए हैं और उन सबको बंद कर रहे हैं। शाम में कीमियाई हमलों का मामला फिर गर्म। अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में रूस ने अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस शाम पर हमले के लिए तैयार। अमरीका शाम पर हमले से बाज रहे, रूस का इंतबाह। एसएमएस मार्केटिंग बिजनेस या ब्लैकमेलिंग, 500 रुपए में 7,50,00,000 नंबर्स दस्तियाब। सिम नंबर से बैंक अकाउंट का सफाया भी मुमकिन। नकलो हरकत भी जाहिर, सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए। इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट इरफान हुसैन कहते हैं कि बिना इजाजत एसएमएस जुर्म है। हुकूमत को शिकायत लगाएं और जान छुड़ाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान हॉकी टीम का मुसलसल चौथा मैच ड्रॉ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच 1-1 से बराबर। टीम इवेंट में कोई मैच हारी ना ही कोई मैच जीत सकी। वेल्स, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ मैच भी ड्रॉ हुए। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में हार गए। इंडियन प्रीमियर लीग में जूते चल गए। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान जारी मैच में तमाशाइयों ने मैदान में जूते बरसा दिए। कौन चावला? चावला तुम्हारे बारे में सब जानता है। ब्लैकमेल खेलेगा ना। और इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल के टिकट ब्लैक होने लगे। 4 रोज में ही फिल्म ने पाकिस्तान से 70,00,000 रुपए का बिजनेस कर लिया। मियां साहब, लाहौर में 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मियां साहब, आप कहते हैं लोड शेडिंग खत्म हो गई है। 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम जवाब शरीफ नहीं। कहाँ गई बिजली? अब आप बताएं आपका नाम क्या रखें? बहुत बुरा हाल कर दिया भाई इन लोगों ने यार, अल्लाह माफ करे यार। यहाँ से लाइट का पता ही नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं होती। किस तरह मेरा सारा दिन गुजरता है मेरा रब जाने। पानी नहीं आती, बिजली नहीं आती, हम लोग बिल भरे या खाना खाएं। उसी नहीं है, यहाँ पे लाइट आती है 1-2 घंटे के बाद फिर चली जाती है। 2-2.5 घंटे लाइट आ रही है। नवाज शरीफ साहब को पूछिए, वो जो कह रहे थे कि लाइट आपकी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमा और मैं हूं सहरिश मंसूर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे मुल्क भर के आवाम के लिए जाती हुई हुकूमत के अलविदाई तोहफे से मुतालिक खबरों से। जी हां, बात हो रही है मुल्क भर में होने वाली लोड शेयरिंग की, जिसने शहर शहर गांव गांव लोगों का जीना महाल किया हुआ है। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली गायब रहती है। अब तो लोड शेडिंग खत्म करने के दावे करने वालों के मुंह को भी ताले लग गए हैं। लाहौर में 2-3 घंटे, पेशावर में 12-14 घंटे और कराची की अगर बात की जाए तो ये सबसे आगे, यहाँ 16-18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में समा के नुमाइंदगान मौजूद हैं। लोड शेयरिंग की कौन से शहर में क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं वहाब कामरान, कराची से हमारा साथ देंगे खुर्शीद आलम, लाहौर से हैं जरमीना खान, फैसलाबाद से शाहीन शहजादी और पेशावर से हमारे साथ हैं सज्जाद हैदर। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे, वहाब कामरान वहाँ मौजूद हैं। वहाब, बताइए कितने घंटे की लोड शेयरिंग हर रोज की बुनियाद पर यहाँ की जा रही है? देखिए, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि रावलपिंडी का भी जिक्र करना ज़रूरी है। दारुल हुकूमत में तो 2-4 घंटों में लोड शेडिंग हो रही है, जो कि बाकी शहरों की निस्बत कम है। लेकिन अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी शहर में 6-8 घंटे यौमिया लोड शेडिंग की जा रही है इस वक्त, जिसकी वजह से यकीनन शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और जो बुनियादी वजह है मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग की, वो शॉर्टफॉल में इजाफा है। आज भी शॉर्टफॉल 3,900 मेगावाट तक पहुँच चुका है, जो कि यकीनन एक हौसला अफजा बात नहीं है। इस वक्त बिजली की जो तलब है वो 20,600 मेगावाट, जबकि जो पैदावार है वो 16,000
500 मेगावाट है, तो मजमूई तौर पर 3900 मेगावाट का इस वक्त शॉर्ट फॉल है, जिसकी वजह से मुल्क भर में लोड शेडिंग की जा रही है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। जबकि हुकूमत से हमारी जो बात होती है, वज़रा से बात होती है, उनका यही जवाब सामने आता है कि जी लोड शेडिंग सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी वाले इलाकों में की जा रही है। आज भी हमने आबिद शेर अली से पूछा कि जनाब जो लोग चोरी करते हैं आप उनको सजा क्यों नहीं देते, पूरे इलाके को क्यों लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला करते हैं। तो उनका कहना है कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हमारे पास लोड शेडिंग के अलावा और कोई हल नहीं है। जी बिल्कुल, सूरतेहाल काफी अबतर है और 3900 मेगावाट तक अब कमी का सामना है मुल्क भर की अगर बात की जाए, और कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब तो था ही, अब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। शहर में 18-18 घंटे बिजली गायब रहती है। के इलेक्ट्रिक तो एसएसजीसी को जिम्मेदार करार दे रही है। दूसरी जानिब शहरी सिंध हुकूमत से सवाल करते हैं तो वो विफाक से शिकवे का मशवरा देने लगती है। हाय रे बिजली, हाय रे बिजली, लोड शेडिंग ने कर दिया कराची वालों का जीना महाल। मेरी वालदा बीमार है, घर में परेशान है, तीसरा जनरेटर में खरीद के चेंज कर चुका हूँ अभी तक। जितने भी है ना हुकुमरान, एक भी काम का नहीं है, छोटे छोटे बच्चे न उनको तालीम मिल रही है न क्या, वो रुल रहे। बिजली क्यों नहीं देते, के इलेक्ट्रिक के पास है एक ही बहाना। सो आई मीन सीएफडी गैस जो कम मिल रही है उसकी वजह से 500 मेगावाट की जो पावर प्लांट्स हैं जो गैस पे चलते हैं वो बंद है, उनकी बंदिश की वजह से शहर में इजाफी लोड शेड करना पड़ा है। लेकिन एसएसजीसी तर्जुमान कर रहे हैं मुसलसल इनकार। सिंध हुकूमत को दुहाई दें तो कहते हैं ये काम तो है विफाक का। जब आप बिजली की सप्लाई और कहते हैं कि जी हमारी जो बिजली की जो जनरेशन है वो डिमांड से ज्यादा है तो फिर लोड शेडिंग तो खत्म होनी चाहिए ना, लेकिन क्योंकि दावे झूठे हैं इसलिए। विफाक तो लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान कब से कर चुकी है, अब कराची वाले जाएं तो जाएं कहां। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, एसएसजीसी और के इलेक्ट्रिक के दावे तो एक जानिब, कितनी भारी पड़ रही है ये लोड शेडिंग कराची वालों पर। बिल्कुल सही कहा आपने कि कराची वाले जाएं तो जाएं का मतलब ये कि 36 टेम्परेचर इस वक्त क्रॉस कर रहा है और आज टेम्परेचर तकरीबन 38 से 40 रहेगा। ऐसे में छोटे घरों में मकानों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोगों का बहुत बुरा हाल है। 2.5-3 करोड़ की ये आबादी का कोई लगता है कि वाली वारिस नहीं है, और अब तो कराची के उन इलाकों में कि जहां पे के इलेक्ट्रिक की रिकवरी 100% थी और जहां लोड शेडिंग नहीं हो रही थी वहां पर भी 3-3 घंटे लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। दुकान हो, कारोबार हो, होटल वाला हो या कोई भी आदमी हो, इस लोड शेडिंग की वजह से उसकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बाद लोग हमसे जो इजहार ख्याल करते हैं वो हम ऑन एयर नहीं कर सकते, और तफरी की बात यह है कि जब हुकूमतों से पूछा जाए तो सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है और वफाकी हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं होता ना जवाब होता है। लेकिन आम तौर पर देखा यह गया है कि रात के अवकात में और दिन के अवकात में जो लोड शेडिंग हो ही रही है, मैं ऐसे घरानों को भी जानता हूं कि जहां पर बीमार और मफलूज अफराद मौजूद हैं उनसे पूछे कि वो हरकत नहीं कर सकते, उन पर दिन के और रात के औकात में जब बिजली चली जाती है उन पर क्या बीतती होगी। दिन के औकात में हम साए में खड़े हो सकते हैं लेकिन घरों में या छोटे फ्लैटों में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी के बारे में शायद उनकी भी काफी मुश्किल हुई है। हमारे साथ ही रहिए खुर्शीद आलम। कराची वालों के बिजली बहरान से निजात मिलने की उम्मीद बनने लगी है। नेपरा ने कराची में बिजली बहरान का नोटिस ले लिया है। लोड शेडिंग की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कराची पहुंच गई है। ये टीम मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोड शेडिंग का जायजा लेगी। तहकीकाती टीम के इलेक्ट्रिक हुकाम से भी मुलाकात करेगी। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का बड़ा अजाब, बदतरीन बिजली बंदिश ने कराची वालों का 2 हफ्ते तक खूब तेल निकाला तो नेपरा को शहर कायद के बासियों का ख्याल आ ही गया। रोशनियों के शहर में घुप अंधेरों का सख्त नोटिस। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी बना डाली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगी और अजियतनाक लोड शेडिंग की वजूहात का जायजा लेगी। हालिया बहरान पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गयी है। दूसरी जानी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि स्वी सदरन गैस कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराने की जमानत दे दी है लेकिन अभी तक गैस बहाली के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। सूरत हाल लाहौर की भी अच्छी नहीं और वहीं की अपडेट्स हासिल करेंगे। समा की नुमाइंदा जरमीना खान हमारे साथ मौजूद है। जरमीना, यहाँ पर कोई जवाब या जवाब है हुकाम के पास कि इतनी लोड शेडिंग क्यों हो रही है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जो हुकूमती दावे हैं सिर्फ दावों की हद तक ही रह गए हैं। यहाँ पर भी सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी खादिम आला की जानिब से। हर साल जो है यही जो है दावा किया जाता है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो इस लोड शेडिंग के हाथों बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर इस हल्के में बिलालगंज में रहते हैं, यहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल और किस तरह आपके घर वाले जो हैं वो इस लोड शेडिंग के हाथों परेशान हैं? बेटा बहुत परेशानी हो गई है। पहले तो पिछली गवर्नमेंट थी ना तो एक एक घंटा लोड शेडिंग करते थे, उसके मादी हो चुके हैं। अब रात को रिसेंट 8 घंटे लाइट गई है। अब बताएं कि बंदा किधर जाए, बीमार आदमी क्या करे। ये जो लोग फैक्ट्रियों वाले ये परेशान हैं, मजदूर वो परेशान है जिसने दिहाड़ी गिन के लेनी है माल दे के। ये तो इतनी परेशानी हो रही है। हमने नवाशे को वोट दिया है लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हमारे हालात सही ना हो, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ के जो मकीन है बिलालगंज के, वो बहुत ही ज़्यादा उनमें गम गुस्सा पाया जा रहा है। वो कहते हैं कि वोट लेने की जब बारी आती है तो खादिम आला खुद यहाँ पर चलकर आते हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें वोट दें, हम आपके लिए बेहतर करेंगे, आपकी तरक्की के लिए करेंगे। लेकिन जैसे गर्मियों की शुरुआत हुई, अप्रैल का महीना चल रहा है तो गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत उसने पकड़ी, तो लोड शेडिंग ने भी जो है उसका जिन पे काबू हुआ और लोड शेडिंग जो है वो यहाँ पर 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो है वो लोड शेडिंग होती है। घरों में खवातीन जो है वो कोई काम नहीं कर सकती, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कोई भी काम जो है वो जो है वो सर अंजाम नहीं दे पाते। उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो दावे तो करती है, 5 साल इनकी हुकूमत हो गए लेकिन अभी तक जो है इनके लोड शेडिंग खत्म करने के जो इसका खात्मा नहीं हो सका है। जमीना, आपने गुफ्तगू भी की मुतासरीन से, अब हम रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। शाहीन शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, ज़रा बताइए कि यहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है, लोग कितने परेशान नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, शहरी शहर तो कुदरत मेहरबान है, ठंडी हवाएं सुबह से चल रहे हैं तो शहर का में जो शहरी का गुजारा हो रहा है, वरना फैसलाबाद एक संती शहर है, कारोबारी लोग यहां पर रहते हैं। यहां पर भी गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। घंटाघर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और 8 बाजारों में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है और कोई वजूहत यहाँ पर बताई नहीं जा रही कि बिजली की कोई खराबी फनी खराबी पैदा हुई है या वैसे ही मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। कारोबारी हजरात भी परेशान है। इसके अलावा अगर बात की जाए थानों की तो थानों में भी कई कई घंटों से बिजली बंद है। गुज़िश्ता रात आंधी आई थी, हवा तेज चली थी, तेज हवा चलने के बाद यहाँ पर फैसलाबाद में कई जगहों पर जो है वो फनी खराबी पैदा हो गई, लाइट जो है वो बंद हो गई। वहाँ पर थानों में जो कैदी हैं उनका ये कहना है कि सारी सारी रात मच्छर काटते हैं, यहाँ पर बैठना ही मुश्किल हो जाता है, किसी किस्म का कोई मुतबादिल इंसान मौजूद नहीं है। घंटा घर के जो 8 बाजार है वहाँ पर भी इस वक्त बिजली बंद है। सुबह के टाइम भी यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में 2 घंटे सुबह लाइट जाती है, 2 घंटे शाम को जाती है, लेकिन शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं, सनतपुरा हो गया, डिगलसपुरा हो गया, इन इलाकों में बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी वाकई हुई है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन जो शहर का ये वस्ती इलाका है, मेन एरिया है, यहाँ पर बिजली बंद है, यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं। इसके अलावा जो फैसको तर्जमान है उनका ये कहना है कि हमने काफ़ी हद तक लोड शेडिंग पर काबू पा लिया है, फैसलाबाद को इंशाल्लाह। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो हमें दिखाई भी दे सकती है इन मनाजिर की सूरत में, जो कि इस वक्त तमाम नाज़रीन समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। गर्मी के साथ साथ मुल्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गैर ऐलानिया लोड शेडिंग 3 से 7 घंटे तक जा पहुँची है। लोड शेडिंग से तंग शहरी क्या कहते हैं, क्या जतन कर रहे हैं? इरम सत्तार हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे। इरम, बताइएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब समेत जो है वो मुल्तान के इलाके में भी गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जैसा कि गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही गैर इलानिया लोड शेडिंग का जो दुरानिया है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर शहरों में जो है वो 3 से 4 घंटे जबकि दही इलाकों में 6 से 7 घंटे गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त जो है मैं एक UPS की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने जो है वो UPS खरीदने के लिए इस दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त जो है कस्टमर हमारे साथ तकरीबन 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बच्चों के पेपर हो रहे हैं और रात को लाइट नहीं होती, मच्छर बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो ये जो गैर इलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसके बायस जो है यहाँ पर आज जो है वो UPS खरीदने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ये UPS की कीमतें भी इतनी ज़्यादा हैं कि आम शहरी की दस्तरस से जो है ये UPS की कीमतें बाहर हैं। जी सही, इरम आप मुल्तान से हमें आगाह कर रही हैं, पेशावर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर है हमारे साथ। सज्जाद हैदर, यहाँ पर लोड शेयरिंग की सूरत हाल बताइए।
बिल्कुल पिशावर में मौसम तो अच्छा है और हवाएं चल रही है। गुजशत रोज की बारिश के बाद मौसम काफी अच्छा हो गया था, लेकिन मुल्क भर के दीगर हिस्सों की तरह पिशावर में भी जो है गर्मी के शुरू होते ही जो है लोड शेडिंग में जो है खातिरखा इजाफा देखने को आया है। पेस्को काम से रब्ता किया तो उन्होंने एक मंतक बताई कि जिन इलाकों में चोरी होती है वहां पर 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जाती है, जबकि जिन इलाकों में चोरी नहीं होती वहां पर 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन अगर पिशावर शहर और मेन शहर को देखा जाए तो यहां पर भी लोड शेडिंग जो है 6 से 8 घंटे की जो है लोड शेडिंग की जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी में लोगों को जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है और जो साथ साथ जो बच्चों के जो एग्जाम चल रहे हैं उनको भी स्कूल में जो है एग्जाम के दौरान जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अगर उनसे हम लोड शेडिंग के हवाले से पूछे तो वो कहते हैं वफाक का ये सब्जेक्ट है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो माइक्रो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो उनका ऐलान किया था वो भी जो है 2014 में उन्होंने ऐलान किया था वो भी जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके, और लोड शेडिंग का दुरानिया जो है यूं ही जो है आस्ता आस्ता बढ़ता जा रहा है। जी सज्जाद, आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, लोग काफी परेशान है, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके अलावा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर जबकि मुल्तान से भी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इन तमाम शहरों के अलावा हैदराबाद में भी लोड शेडिंग की सूरतेहाल मुल्क के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं, 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। तलबा भी इस सूरतेहाल से काफी परेशान हैं, इसी पर बात करेंगे, फकीर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम बताइए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी बाकी दीगर शहरों की तरह बिजली की लोड शेडिंग का कोई मामला खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पे जो शहरी इलाका है, जो मार्केट के इलाके हैं, वहाँ पर तो 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है, जबकि देही इलाका जिसमें रूरल का जो इलाका कहलाता है, टंडो जाम है और उसकी सराउंडिंग जो है वहाँ पर 10 से 12 घंटे 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम कॉलेज में, जहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो अपने आने वाले जो इम्तिहान आता है उनकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, लाइब्रेरी में जो तुलबा मौजूद हैं वो अपने घरों से कॉलेज में इसीलिए आए हैं कि वो तो स्टडी कर सकें, 24 तारीख से जो उनके इम्तिहान शुरू होने हैं उसकी वो तैयारी कर सकें, लेकिन यहाँ पे भी बिजली नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। जी और बदीन की सूरत हाल भी यही है, बदीन में गर्मी के साथ बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ता ही जा रहा है, बिजली की आंख मचोली से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे सुलेमान मेंद्रो। बिल्कुल, आजकल बदीन में जो है 16 से 18 घंटे की गैर ऐलाना लोड शेडिंग है। हुकूमत ने दावे किए थे, ऐलान किया था कि 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी, मगर यहाँ लोड शेडिंग ख़त्म तो नहीं की गई, अलबत्ता लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त भी देही इलाकों में 18 से 20 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से बदीन के जो शहरी हैं वो मजबूर होकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। इस वक्त भी शहर के मेहरान चौक पर यहाँ पर धरना जारी है और मुख्तलिफ जो ताजर इतात होता है दीगर तंजीमें हैं उन्होंने एहतियाती धरना दिया हुआ है और ये धरना तकरीबन 2 घंटे से जारी है। इनका मुतालबा है कि जब तक जो मुकर्रर शेड्यूल है उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता और वापडा की जानब से यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा, गैर ऐलाना लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना जारी है। शहरों का कहना है कि गैर ऐलाना लोड शेडिंग के बायस रोज़मर्रा की जो मालूमात हैं वो भी मुतासर हैं और उनके जो कारोबार हैं वो भी शदीद मुतासर और शदीद गर्मी के बायस शदीद परेशान है। इनका कहना है कि वापडा की जानब से जब तक लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया जाता तब तक इनका धरना जारी रहेगा। जी मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का कोई हाल नहीं, शायद ही मुल्क का कोई हिस्सा हो जहां आवाम इस बहरान की जद में ना हो। सोशल मीडिया सारफीन हुकूमत पर फट पड़े हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्ट फॉल 0 है, कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही, हुकूमत की जानिब से दावे तो यही किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था इतनी बिजली होगी कि मोदी को भी दे सकेंगे, लेकिन जनाब सारे दावे हवा हो गए, ऐसा लगता है गुब्बारे से हवा निकल गई हो। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल बना रखा है, बिजली के सताए आवाम हुकूमत से सख्त नाला है। ट्विटर पर लोड शेडिंग ही जेरे बहस है, अहमद खोकर लिखते हैं 2018 में लोड शेडिंग खत्म ना हुई, हुकूमत ने आवाम को लॉली पॉप दी। सज्जाद ने कार्टून तस्वीर के जरिए अपने रद्द अमल से आगाह किया। शहरियार ने लिखा कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पर लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। इकरा ने हुकूमत से सवाल किया कहां हुई है लोड शेडिंग खत्म। आमिर इनाम ने लिखा तमाम अहले वतन को लोड शेडिंग जो के खत्म हो गई थी मुबारक हो। एक सारिफ ने ये शेर लिखा सुबह होती है शाम होती है, लोड शेडिंग कभी ना तमाम होती है। अहम अदालती मामले की बात करेंगे, नवाज शरीफ ने जीआईटी पर फिर पुराने इल्जाम धर दिए। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा तफ्तीशी रिपोर्ट के पोल एक एक करके खुल रहे हैं। वाजिद ज़िया ने एतराफ़ कर लिया कि तनख्वाह से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। नवाज शरीफ का मजीद क्या कहना था आइए सुनते हैं। एक एक करके जीआईटी की तफ्तीशी रिपोर्ट के पोल खुल रहे हैं, असल नतज जो हमारे
हक में जा सकते थे, बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी चलाकी के साथ उन्होंने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पकड़े गए। उनको ये भी कहना पड़ा, वाजिद रियाज साहब को कल ये भी कहना पड़ा कि नवाज शरीफ की तनख्वाह के बारे में भी कोई हमारे पास सबूत नहीं है। यानी जिस इल्ज़ाम के तहत एक मुंतसब वज़ीर आज़म को आप निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया है, उसका भी सबूत नहीं मिला। मेरा केस तो कोई दहशतगर्दी का केस नहीं, मैं कोई अपना पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ तो कोई काम नहीं कर रहा था। तो उसमें ISI को बीच में डालने की या मिलिट्री इंटेलिजेंस को बीच में डालने की क्या ज़रूरत थी? हमारे ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन के लिए जो चुन चुन कर दूर दराज से ट्रांसफ़र करा के व्हाट्सएप पे जो लोगों को लेके आए हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन कराई, उसका मकसद सिर्फ ये था कि अपने मनपसंद जो है वो रिपोर्ट हासिल की जाए। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत में ख्वाजा हारिस की वाजिद जिया पर जरा मुकम्मल हो गई है। वाजिद जिया पर जरा 10 रोज बाद मुकम्मल हुई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल बताइएगा, देखिए बिलाखिर 10 दिन के बाद आज ख्वाजा हारिस की जो वाजिद जिया के ऊपर जेरा थी वो मुकम्मल हो गई है। 10 दिन मुसलसल ये जेरा जारी रही है, जिसमें जो JIT की रिपोर्ट थी उसका तफसीली तौर पर जायजा लिया गया, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे अदालत में वाजिद जिया की जानिब से, उन पर तफसीली जेरा की जाती रही ख्वाजा हारिस की जानिब से, और आज ये जेरा मुकम्मल हो गई है। जेरा के इख्तिताम पर ख्वाजा हारिस ने वाजिद जिया से माजरत भी की, उन्होंने कहा कि मैं तमाम जो गवाहान पेश होते हैं उनसे माजरत भी करता हूँ। आज के दिन की अगर हम जेरा की बात करें तो आज JIT के जो अरकान है उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए थे नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से। उन्होंने दो अरकान का नाम लेकर कहा, वाजिद जिया से पूछा कि क्या आपको मालूम था कि इनकी रिश्तेदारियां जो है वो हमारी नवाज शरीफ की मुखालिफ सियासी जमात के साथ ही, क्या आप जब तहकीकात कर रही थी JIT तो आपको ये चीजें आपके इल्म में थी? इस पर वाजिद जिया ने कहा कि एक रुकन के मुतालिक मुझे तहकीकात के दौरान पता चला था, तमाम दूसरे रुकन के मुतालिक कोई भी सुप्रीम कोर्ट में एतराज भी नहीं उठाया गया और ना ही मुझे उसका अच्छी तरह से याद है। जेरा जो है वो मुकम्मल हो गई है। वाजिद जिया पर जो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस थे उनकी आज 10वें रोज और 10 दिन के दौरान जो तमाम रिपोर्ट जो JIT की थी उसको एग्जीक्यूट भी किया गया था यहाँ पर अदालत में। वाजिद सही, सुहेल ये भी आपसे जानेंगे, ये कहा जा रहा था कि अब ये जो केस हेवन फील्ड रेफरेंस मंतकी अंजाम की जाने पहुंच रहा है, तो अब वाजिद जिया पर जरा मुकम्मल हो गई है, तो आगे क्या होगा? कोई नया गवाह होगा या फिर अब फैसले का इंतजार करना है हमें सिर्फ? जी देखिए, ये तो JIT के सरबराह थे, जो आखिरी गवाह यहाँ पर पेश होंगे वो हैं नैब के तफ्तीशी अफसर। नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन पर वो यहाँ पर पेश होंगे अदालत में। इसके बाद एक वही गवाह रह गए हैं एवन फील्ड प्रॉपर्टीज की, तक अगर हम बात करें जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं वो यहाँ अदालत में पेश होंगे, अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद उन पर भी जेरा होगी, जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से भी और मरीम नवाज के वकील की जानिब से भी। सिर्फ एक गवाह रह गए हैं अभी, वो नैब के तफ्तीशी अफसर ही हैं जिन्होंने खुद भी रेफरेंस फाइल होने के बाद जो जिनी रेफरेंसेज इसमें आए थे उनसे मुताबिक उनसे पूछा जाएगा और जो ओवरऑल उनकी इन्वेस्टिगेशन हैं कि उन्होंने कहां तक तहकीकात की, क्या क्या तफ्तीश उन्होंने की है, क्योंकि JIT की तफ्तीश में कुछ जो है वो फलाद की निशानदेही की गई है शरीफ फैमिली के वकला की जानिब से। सही सुहेल रशीद, तफसीलन आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशी करार दे दिया, कहती हैं साजिशें करने वाले को हर जगह साजिशें ही नजर आती हैं, करने वाले को साजिशें ही नजर आती हैं हर जगह, और ये जो साजिश वो कर रहे हैं ना भाई को भाई से अलहदा करने की, इंशाल्लाह ये पहले भी नाकाम हुई और हमेशा नाकाम। 2018 इलेक्शन के हवाले से इंतहाई अहम है। फेसबुक बानी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के इलेक्शन पर भी नजर है, पाकिस्तानी इलेक्शंस में फेसबुक के जाली अकाउंट्स गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे इलेक्शन पर असरअंदाज होना मुश्किल हो, अब किसी के लिए भी फेक अकाउंट्स और गड़बड़ करना काफी मुश्किल होगा। अमरीकी कांग्रेस में डेटा लीक्स के हवाले से फेसबुक के बानी पेश हुए और साथ ही साथ उन्होंने इस हवाले से जिक्र भी किया। मार्क जकरबर्ग पेश हुए थे और उन्होंने तमाम तर मामला किस तरीके से हुआ उसके हवाले से भी कांग्रेस को बताया। The most important thing that I care about right now is making sure that no one interferes in the various 2018 elections around the world. We have an extremely important US midterm. We have major elections in India, Brazil, Mexico, Pakistan, Hungary coming up, and we're going to take a number of measures from building and deploying new AI tools that take down fake news to growing our security team to more than 20,000 people to making it so that we verify every advertiser who's doing political and issue ads to make sure that that kind of interference that the Russians were able to do in 2016 is going to be much harder for anyone to pull off in the future.
اور اسی معاملے پر بات کریں گے، سما کے نمائندے فیصل قاضی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ عبداللہ عثمان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، فیس بک کس طریقے سے انفلوئنس کر سکتا ہے الیکشنز کی اگر بات کی جائے، اور پاکستانی یوزر جو ہیں انہیں کس چیز کی احتیاط برتنی ہوگی ان الیکشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے؟ جی، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جیسے ٹیکنالوجی نے ایڈوانس کر لیا ہوا ہے، تو بیونڈ دا مینز اور بیونڈ اوور امیجینیشن بہت سے ایسے ایکشن ہیں جو کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اوپینین فارمیشن کا اور ری فارمیشن کا اینڈ اوپینین ڈسٹارشن کا۔ اس کے اندر وی آر ویری مچ اویئر کہ 2016 میں جس طرح رشیا نے انٹروین کیا، وہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ الیکشن میں کیسے اوپینین کو ری فارم کیا گیا اور ڈسٹارٹ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے لیے یہ چیلنجز بہت زیادہ ہائی ہیں۔ فیک اکاؤنٹ یوزرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جو سی ای او نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس وقت پاکستان کے لیے ہائی رسکس اور چیلنجز ہیں۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو فلٹر کیے جائیں گے یا لگائے جائیں گے، یا 20,000 یا 50,000 جو بندے بتائے گئے ہیں کہ ڈپلائے کیے گئے ہیں جو سیکیورٹی کو مانیٹر کریں گے فور پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہمیں وہ تمام انفارمیشن فیک اکاؤنٹ یوزرز کی جو اوپینین کو ڈسٹارٹ کریں گے یا لائک یا ڈس لائک یا ایسی پوسٹ پھینکیں گے جس سے کہ ایک دم کسی کی اوپینین کو یا کسی بھی کنٹیسٹنگ الیکشن پارٹی کی اوپینین کو ڈسٹارٹ کیا جا سکے، دیٹ انفارمیشن شوڈ آلسو بی گیون ٹو دی پاکستان ایجنسی، تاکہ ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 موجود ہے اور اس کے مطابق ہم کاروائی بھی کر سکیں۔ اور اس ٹرانسپیرنسی کا جس میں فیس بک کے سی ای او نے ریفر کیا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی ہمیں نظر بھی آنی چاہیے۔ صورتحال صحیح۔ عبداللہ عثمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل قاضی۔ فیصل، یہ بتائیے گا، مارک زکربرگ آج کانگریس کے سامنے پیش ہوئے ہیں، تو کیا کچھ ہوا ہے؟ جی، فیس بک کے بانی اور سی ای او مارک زکربرگ جب پیش ہوئے تو انہوں نے بلا تامل اپنی کمپنی کی غلطی کا اعتراف کیا۔ 2015 میں انہوں نے کیمبرج انالیٹیکا نام کی ایک فرم کو 87 لاکھ یوزرز کا پھر کا ڈیٹا باقاعدہ یہ کانٹریکٹ کے تحت بھیج دیا تھا، اور اس ڈیٹا کو الیکشن 2016 میں جو کہ صدارتی الیکشن تھے امریکہ میں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں نے استعمال کیا اور ہلری کلنٹن کے خلاف منافرت اور غلط پروپیگنڈا کیا، جس کی رسپانسبلٹی انہوں نے کلیم کر لی ہے، انہوں نے مان لیا ہے۔ چونکہ یہ اس فرم کے بانی ہیں اور اس فرم کے سی ای او ہیں، اس کو چلاتے ہیں، تو اس کی تمام ذمہ داری قبول کی ہے، اور اب مستقبل کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 2018 میں ہندوستان میں، پاکستان میں، برازیل میں، میکسیکو میں انتخابات ہونے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے 20,000 نئے امپلائی رکھے ہیں جو ان کو کنٹرول کریں گے۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ عبداللہ تو کہہ رہے تھے کہ فیک اکاؤنٹ، یہ فیک اکاؤنٹس نہیں، یہ اصلی 87 ملین کے قریب اکاؤنٹس ہیں جن کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور ان میں یعنی فیس بک یوزر کے کتنے اکاؤنٹ ہیں اس بارے میں مارک زکربرگ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہ تو 5 مختلف ممالک کے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن عبداللہ چونکہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو فلٹر کرنا، اس کو کنٹرول کرنا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ فیصل قاضی، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ عبداللہ عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ موبائل نمبرز حاصل کرنا مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا، صرف 500 روپے میں 750 کروڑ نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سی خرید لو، سیل لگ گئی دھماکے دار، ایس ایم ایس مارکیٹنگ بن گئی لوگوں کے لیے وبال، موبائل نمبرز کمپنیز کو دیتا کون ہے؟ نیا دن میں انٹرنیٹ ایکسپرٹ عرفان حسین نے ساری کہانی بیان کر دی۔ 500 روپیز میں آپ کو 75 ملین، 500 جان کیسے چھڑائیں؟ عرفان حسین نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ سب سے پہلے اس کمپنی کو جس نے آپ کو ایک اِریٹیٹنگ میسج کیا ہے، آپ اس کو انفارم کریں، پھر اس کے بعد میں ایف آئی اے کے پاس جانا پڑے گا، تاکہ آپ کا ہوم ورک پورا ہونا۔ بالکل، آپ کا ہوم ورک پورا ہونا۔ دیکھیے، پینلٹی جو ہے نا وہ تو جائے گی،
حکومت کے خزانے میں. آپ ڈیمیجز اپنے بنا سکتے ہیں. ڈیمیجز کلیم میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ دیکھیں اپ ٹو پی کے آر 50,000 فائن فار سینڈنگ اریٹیٹنگ میسیجز. انٹرنیٹ ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ مارکیٹنگ میسیجز کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جائے کیونکہ سم نمبر سے آپ کے بینک اکاؤنٹ کا صفایا بھی ہو سکتا ہے. اور اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت جاری. ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے دو کشمیریوں کو شہید کر دیا. قابض فوج نے چار گھروں کو آگ بھی لگا دی. علاقے میں بھارتی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری. کلگام اور اننت ناگ میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند. راولپنڈی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. اسلام آباد سمیت بالا علاقوں میں آج بھی بادل جم کر برسیں گے. محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی. آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ. 24 کھلاڑی شامل. پہلے سیشن میں کھلاڑیوں نے فزیکل فٹنس اور فیلڈنگ پریکٹس کی. حسن علی اور بابر اعظم کو آئی سی سی کیپ دے دی گئی. اور لیورپول نے مینچسٹر سٹی کو 2-1 سے شکست دے کر پہلی بار یوفا چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. روما نے بارسلونا کو 3-0 سے ہرا دیا. مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بناتے ہیں. آپ کو بتائیں امریکی سفارتکار کی گاڑی سے پاکستانی شہری کی ہلاکت کا معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں امریکی سفارتکار کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کر دی گئی ہے. اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے فخر الرحمان سے. فخر, ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. جی بالکل, جو عتیق بیگ گزشتہ دنوں امریکی سفارتکار کرنل جوزف ایمینوئل کی گاڑی سے ٹکر کے 22 ہلاک ہو گئے تھے, ان کے والد محمد عزیز نے انصاف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرٹیکل 99 کے تحت پٹیشن دائر کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک مقدمے کی تحقیقات اور اس کی سماعت مکمل نہیں جاتی, جو امریکی سفارتکار ہے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کی جائے. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایس ایچ او, آئی جی اور چیف کمشنر کو عدالت یہ حکم صادر کرے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی شفاف تحقیقات اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. جی ٹھیک ہے. مقتول طالب علم عتیق اقبال کی جانب سے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کی گئی. اپڈیٹس کے بے شکریہ فخر. وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کے سابق سیکرٹری نے لنکا ڈھا دی. زبیر محمود نے شہباز شریف اور چودھری نثار کے حوالے سے اہم انکشافات کر دیے ہیں. کہتے ہیں کہ چودھری نثار سب کچھ شہباز شریف کی ہدایت پر کر رہے ہیں. تہمینہ دورانی کے گھر پر شہباز شریف اور چودھری نثار کی 2 درجن سے زائد ملاقاتیں ہوئیں. شہباز شریف نہیں چاہتے کہ مریم لیڈر بنے, اس لیے چودھری نثار کو استعمال کر رہے ہیں. وہ لاہور میں سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جو موجودہ پوزیشن چودھری نثار صاحب نے لی ہوئی ہے وہ میڈیا پہ کچھ مختلف ہے, لیکن اس کی حقیقت کچھ مختلف ہے. اس کے موقف کا 100% سی ایم پنجاب درپردہ ان کے موقف کے ساتھ اتفاق کرتا ہے. چودھری نثار صاحب کو جتنا سخت کر دیا گیا ہے وہ اس میں سی ایم صاحب کی اپنی ول ہے, اور اس میں تہمینہ دورانی صاحبہ نے بہت کردار ادا کیے. جب ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اپنی مسز کی تیمارداری کے لیے لندن گئے تھے, اس سے ایک رات پہلے 2 بجے کا ٹائم تھا جب ان کی میٹنگ ہوئی, تو چودھری نثار صاحب نے بھی کہا اور محترمہ نے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں ایز اے چیف منسٹر پنجاب اور اپنے بھائی سے راستہ الگ کر دیں. تقریباً 4 گھنٹے کے بعد چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ اب میں اپنے راستے خود بناؤں گا. تہمینہ دورانی صاحبہ یہ پورا ارینج کر رہی تھی, ان کے گھر پہ یہ میٹنگز ہو رہی تھی, اور یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. یہ 2 درجن سے زیادہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ان میٹنگس کے اندر چیف منسٹر پنجاب چودھری نثار, یہ ایک پیج کے اوپر ہے. چودھری نثار صاحب کا پہلے پریس کانفرنس سے لے کر آج تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سی ایم کی مرضی, تہمینہ دورانی صاحبہ کی مرضی, ان کی میٹنگز, ان کی محنت, ساری چیزیں شامل ہیں. سی ایم صاحب کو جنون کی حد تک ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے, اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. مریم نواز اس طریقے سے ابھرتی ہوئی ایک طاقت مسلم لیگ نون کے اندر بن گئی, جو ان کے انٹینشن جو بھی ہے, لیکن ان کو ایک خطرہ ہے کہ ایک جو جانشین ہی ہے وہ دوسری طرف جائے گی. چیف منسٹر پنجاب نہیں چاہتے کہ مریم نواز آگے آئے.
دوسری جانب تہمینہ درانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سیکرٹری زبیر محمود کو خود نکالا، مگر واٹس ایپ میسج تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ تہمینہ درانی نے اپنے سیکرٹری سے ذاتی اور سیاسی معاملات پر کسی قسم کے تبادلہ خیال سے انکار کیا، تو اسامہ تہمینہ درانی کے واٹس ایپ میسج بھی سامنے لے آیا۔ پاکستانی سیاست میں پھر واٹس ایپ کی گونج، سما مزید تہلکہ خیز انکشافات سامنے لے آیا۔ پروگرام کھرا سچ میں بات کرتے ہوئے تہمینہ درانی نے دعویٰ کیا کہ زبیر محمود انہیں بلیک میل کرنا چاہتے تھے، اس لیے نوکری سے نکال دیا۔ کوئی سے یہ پوچھے کہ آپ نے تہمینہ درانی کی ڈی ڈی ایس میں کیا کیا تھا کہ تہمینہ درانی نے آپ کو فارغ کر دیا؟ کچھ کیا ہوگا نا، نے کہا فتام شد آؤٹ۔ تہمینہ درانی کا دعویٰ اپنی جگہ، مگر واٹس ایپ پیغامات سے تو کچھ اور ہی سامنے آیا۔ تہمینہ درانی نے نہیں بلکہ زبیر محمود نے کہا تھا کہ بس بہت ہو گیا، مزید کام نہیں کر سکتا۔ تہمینہ درانی نے واٹس ایپ گروپ پر بھی ارکان سے چودھری نثار کا انٹرویو دیکھنے کو کہا۔ تہمینہ نے نام لے لے کر ہر گروپ ممبر سے رائے مانگی۔ واٹس ایپ میسیجز تو تہمینہ درانی کے دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ کیا واقعی چودھری نثار اور شہباز شریف میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ سوال اٹھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کے لیے منحرف لیگی دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش تیز ہو گئی۔ نئی انتخابی اتحاد کی تشکیل کے لیے پیر پگارا آج چودھری برادران سے ملاقات کریں گے۔ لاہور سے نئی مشرف بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ آئندہ انتخابات کے لیے نئے اتحاد کی صف بندی، متحدہ مسلم لیگ بنے گی یا گرینڈ الائنس، فیصلہ پیر پگارا اور چودھری برادران کی ملاقات میں ہوگا۔ پارٹی کا ناراض ہم ہیال گروپ ہو یا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ارکان اسمبلی، سب کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ نئی بننے والی بلوچستان عوامی پارٹی بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگی دڑوں کے اتحاد کے لیے ذوالفقار کھوسا اور غوث علی شاہ پہلے سے ہی متحرک ہیں۔ اعجاز الحق بھی مسلم لیگ نون سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آنے والے ہفتوں میں نئے سیاسی اتحاد کے حد و حال واضح ہو جائیں گے۔ پشاور میں آج سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے۔ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ پشاور یاترا کریں گے۔ اسی پر بشرا بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ انتخابات کے قریب آتے ہی پشاور میں بھی سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ شہباز شریف مسلم لیگ نواز کے صدر بننے کے بعد پہلی بار پشاور میں جلوہ گر ہوں گے اور کارکنوں کو عام انتخابات کے حوالے سے ہدایات جاری کریں گے۔ کپتان بھی آج ایک روزہ دورے پر پہنچ رہے ہیں پشاور۔ فاٹا کنونشن میں قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا کا فوری حصہ بنانے کے مطالبے کو دہرائیں گے اور ساتھ ہی دیگر سیاسی سرگرمیوں کو بھی نمٹائیں گے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا بھی آج پہلی بار پشاور کا دورہ کریں گے، جہاں وہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات اور پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ بشرا بٹ، سما، پشاور۔ اور ایس ایم ایس شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کروں گا، دیکھوں گا کہ بی آر ٹی منصوبہ کس سست رفتاری سے چل رہا ہے، اندازہ لگاؤں گا کہ اگلا الیکشن جیتنے کے بعد کس تیزی سے منصوبہ مکمل کرنا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ آج پشاور وہ پہنچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ورکرز کنونشن سے وہ خطاب کریں گے، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی منصوبے کا وہ جائزہ لیں گے کہ کس سست رفتاری سے وہ چل رہا ہے، اور اندازہ لگانے کے بعد یہ سوچیں گے کہ الیکشن جیتنے کے بعد کس تیزی سے اس منصوبے کو مکمل کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت سے پولیس اسٹیشن نہیں چلتا، ایئر لائن چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ 60% عوام کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا ہے، نہ دہندگان کی بجلی کاٹنے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ تقریباً 60% پاکستانی عوام جو ہے اس کو لوڈ شیڈنگ فری کرا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایسے بھی ایریاز ہیں جہاں پہ 80% بل نہیں آتے، جہاں پہ 70% بل نہیں آتے۔ اب آپ بجلی بھی زیادہ بنا رہے ہیں، بجلی کی نرخیں بھی آپ نے کم رکھی ہوئی ہیں ریلیٹو ٹو یور کاسٹ، اور پھر اگر 70-80% ریکوری نہ ہو اور ان ایریاز میں بھی آپ بجلی دے رہے ہوں، تو پھر اوبویسلی ہم سنبھال نہیں سکیں گے۔ تو مجھے بجٹ ڈیفیسٹ بھی انڈر کنٹرول رکھنا ہے، سرکولر ڈیٹ کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر جو لوگ بل نہیں دے رہے، نہ دہندگان ہیں، ان کی بجلی ہم تھوڑی سی کاٹتے ہیں، اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ 15,000 میں کسی کا بجٹ نہیں بن سکتا، میں نہیں بنا سکتا ہوں، میں سچی بات بولوں گا، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ سے۔ تو مزدور طبقے کو ریلیف ملے گا؟ ہم پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو ٹیکس ہوتا ہے مزدور طبقے کے اوپر وہ انفلیشن ہوتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں آئے گا۔ اگر کچھ ٹیکسوں میں کمی اگر تبدیلی ہوگی تو انشاءاللہ کمی کی طرف ہوگی، زیادتی کی طرف نہیں ہوگی۔ تو پیپلز پارٹی جب چھوڑ کے گئی تھی تو 1946 ارب روپے کا ریونیو تھا صرف، اس سال ہمارا تقریباً 4,000 ارب روپے کا ریونیو ہوا، تو ہم نے ریونیو ڈبل کر دیا۔
تو جو ہم نے ریلیف دیے مڈل کلاس کو اس لیے دیے کہ ہم یہ قابل ہو گئے ہیں کہ ہم نے جب ڈبل ریونیو کر دیا تو اب ہم یہ دے سکتے ہیں. خان صاحب نے خود ایمنسٹی جو ہے وہ ایک مرتبہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے, تو وہی بڑی دوہری بات ہو جائے گی کہ خود تو اپنے لیے تو آپ وہ کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے آپ جو ہے وہ اس کو منع کرتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں خاصا شاید خان صاحب اگر اس کو مطلب پھر غور فرمائیں گے تو شاید اپنا ججمنٹ ریورس کریں گے. ہمیں ووٹر نہیں چھوڑ رہا, چکر یہ ہے کہ ووٹر ہمیں کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا. الیکٹیبل چھوڑ دیں اللہ جو ایزی کم ایزی کو, میں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ووٹر نہیں چھوڑ رہے. آپ نے دیکھ لیے نواز شریف صاحب کے جلسے, ادارے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک حکومت میں رہیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, حکومت اگر ٹھیک کر سکتی تو حکومت اس نہج پہ نہیں لے کے آتی. ہم بھی نہیں کر سک رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انہوں نے تو اور مسئلے کر دیے تھے. اور نہ مشرف صاحب کے زمانے میں وہ, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حل نچکاری. آپ یہ بتائیے نا کہ حکومت کو, ہم سے پولیس اسٹیشن تو اچھی طرح چلتے نہیں ہیں, ہم کو پیٹرول پمپ چلانے کی کیا ضرورت ہے, ہم کو بجلی گھر چلانے کی کیا ضرورت ہے, ہم کو ایئر لائن چلانے کی کیا ضرورت ہے. مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو انٹرویو پر ماہر معیشت ڈاکٹر قیصر بنگالی نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا حکومت کو ہر مسئلے کا حل نچکاری میں نظر آتا ہے تو حکومت کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے. نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. جب مارکیٹ کی آپ سپریمیسی مانتے ہیں تو پھر فورن ایکسچینج مارکیٹ میں کیوں مداخلت کرتے ہیں آپ؟ یہ بھی مفروضہ ہے کہ آپ ڈی ویلیو کرنے سے ایکسپورٹ ہی بڑھتی رہے گی. چھ مہینے شاید ایکسپورٹ بڑھے گی لیکن اس کے بعد پھر ایکسپورٹ ہماری مہنگی ہو جائے گی کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. پھر آپ اس کو 30,000 بھی کم کر دیں گے تو فیملی 30,000 میں گزارا نہیں کر سکتی. 10-15,000 کرایہ دینا ہے اور 10,000 اسکول کی فیس دینی ہے تو سارے پیسے تو وہیں چلے جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے علاوہ حل نہیں ہے. پی ایس او جو ہے پبلک سیکٹر میں ہے, بہت ایفیشینٹلی چل رہا ہے, ان کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہے, منافع بھی دے رہا ہے. ایسے کئی ادارے ہم نشاندہی کر سکتے ہیں. اور مطلب اس سال میں کام سے پولیس اسٹیشن تو چلتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ریاست نہیں چلتی ہے تو پھر ریاست کو بھی پرائیویٹائز کر دیں. اور اب آپ کو خبر دیتے ہیں کراچی سٹی کورٹ کے مال خانے سے, جہاں لگنے والی آگ کے شعلے 4 گھنٹوں بعد ٹھنڈے کیے گئے. فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں اور 1 اسنارکل نے آگ بجھانے میں حصہ لیا. سٹی کورٹ اور اطراف کا علاقہ مال خانے میں رکھے گولہ بارود کے دھماکوں سے گونجتا رہا. سلمان احمد کے رات 3 بجے کراچی میں سٹی کورٹ کے مال خانے میں خوفناک آگ. مال خانے میں جمع گولہ بارود نے جلتی پر تیل کا کام کیا. عدالتی احاطہ دھماکوں سے گونجتا رہا. عمارت کی چھت کا ایک حصہ بھی گر گیا. شہر بھر کی فائر ٹینڈرز نے 4 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا. عمومی طور پہ جہاں پہ آرم یا ایمنیشن اسٹاک کیا جاتا ہے وہاں پر الیکٹریسٹی نہیں ہوتی اور اس قسم کا کوئی بھی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی کہ جس سے آگ لگنے کا احتمال ہو. پولیس نے تخریب کاری کا امکان مسترد کر دیا لیکن وکلا نے تو کئی سوالات اٹھا دیے. یہ آگ جان بوجھ کے لگائی گئی ہے. سی آئی ٹی نہیں بیٹھے, اللہ ستاگی کمیٹی بیٹھے, وہ تحقیقات کرے. آئی جی سندھ نے مال خانوں کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پر زور دیا. اس کی سیف کیپنگ کے لیے یا تو کچھ انڈر گراؤنڈ چیز بنائی جائے کیونکہ دنیا میں ایسی ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی ہے کہ جس طریقے سے اس کو سیف رکھا جا سکتا. واقعے سے آس پاس کے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. سٹی کورٹ کے مال خانے میں آگ لگنے کا یہ واقعہ پہلا نہیں, لیکن اس آتش زدگی کی وجہ سے کئی سائلین متاثر ہوئے اور متعدد کیسز التوا کا شکار ہو گئے. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ سلمان احمد, سما کراچی. مال خانے میں آگ لگی یا لگائی گئی, کمشنر کراچی اعجاز احمد کہتے ہیں شبہ اور خدشہ ہونا اپنی جگہ, تحقیقات کے لیے خط لکھیں گے. خدشہ ہونا, شبہ ہونا اپنی جگہ پر ہوگا, جائز ہوگا, لیکن وہ جب تک کوئی فارمل آئی مین انکوائری نہ ہو جائے, شارٹ آف اٹ تو وہ خالی آپ کی ایک قسم کی یعنی آئی مین ازمپشن ہوتی ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے مطلب آئی مین ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو ہے مطلب فارمل انکوائری ہو, سو دیٹ مطلب رسپانسبلٹی کین بی فکسڈ. کراچی سٹی کورٹ میں آگ لگنے کے بعد ایس ایچ او سٹی کورٹ عظیم بیگ کو معطل کر دیا گیا ہے. مال خانے میں راکٹ لانچر اور بارودی مواد موجود ہے. بی ڈی ایس کا عملہ بھی پہنچ گیا, اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شاہنواز علی سے. شاہنواز, حکام یہاں پر پہنچے تھے, کیا پتہ لگا پائیں اب تک وہ؟
देखिए रमीज, आग पे तो काबू पा लिया गया है और अब जो है कूलिंग का अमल जारी है। नेवी की फायर टेंडर को भी तलब कर लिया गया है, जबकि BDS का अमला, रेंजर्स और पुलिस का, वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। आग पे जो काबू पाने के बाद जो है, लेकिन जो धुआं है अभी बिल्डिंग में मौजूद है। इमारत की हाल खाली खस्ता नज़र आती है। इस वक्त जो है DIG साउथ और दीगर अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं। DIG साउथ ने वाकये की जो है इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है, जबकि जैसा कि आपने बताया कि SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया है। DIG साउथ को जो है इतराफ़ में लगे कैमरे की फुटेज भी दिखाई गई है, और हमारे पुलिस ज़राए का कहना है कि जो मालखाने में लिस्ट मौजूद थी जिस सामान की, वो भी पुलिस को फराम कर दी गई है। ये मालखाने में जलने से जो है लाखों केस प्रॉपर्टीज़ जो है जलकर ज़ाया हो गई हैं, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा जो है अहम क्रिमिनल्स को पहुँचेगा, जो इस केस के जो शवाहद, अहम शवाहद यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा सोना, चांदी, गोला बारूद भी यहाँ पर मौजूद था, जो वक्फे वक्फे से रात गए तक फटता रहा। अब भी यहाँ पर जो है गोलियों की मामले की इस वक्त तहकीकात की जा रही है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शाहनवाज। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सिटी कोर्ट में आग लगने के वाकये का नोटिस ले लिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, सिटी कोर्ट में आतिशबाजी का मामला, और ऐसे में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस आतिशबाजी का नोटिस ले लिया गया है। चीफ जस्टिस की हिदायत पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दौरा भी किया गया है। रजिस्ट्रार गुलाम रसूल सुमरो ने सिटी कोर्ट का जायजा लिया, साथ ही साथ रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस को अब तक होने वाली सूरतेहाल से आगाह भी कर दिया है। आग लगने की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी हैं, और जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी हमें आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त कूलिंग का अमल जरूर जारी है। कुछ तहकीकात पुलिस की जानिब से भी की जा रही है, कुछ लिस्ट भी प्रोवाइड की गई है। ताहम अब तक कोई बड़ी पेशरफ इस आग लगने की वजूहात का तयन करने के हवाले से नहीं की जा सकी, और ऐसे में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस वाकये का नोटिस ले लिया गया है। और अब आपको खबर देंगे फैसलाबाद से, जहां TMA मुलाजमीन की जानिब से दुकानदारों से भत्ता लेने का इंकशाफ किया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने TMA मुलाजमीन की कारस्तानियों का पोल खोल दिया है। दुकानदारों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। TMA वाले जो ना हर माह हमसे 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं, तो जब आना होता है हमें पहले फ़ोन कर देते हैं कि वो अपना अपना सामान आप लोग उठा लें, तो इसलिए बड़े अफीसर आ रहे हैं, तो अगर हम पैसे ना दें तो हमारा सामान उठा कर ले जाते हैं। जो भी लगाते हैं ना वो सामान लेकर जाना होना है, अलग अलग से आ जाते हैं। इंस्पेक्टर आ गया, जो इनका PN है, सब लैन ऑफिसर है, जो भी सब आते हैं, सब कुछ लेकर जाते हैं, फ्री में लेकर जाते हैं, एक पैसा नहीं देते हैं। और इसी पर बात करेंगे सभा के नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। शाहीन, बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है TMA मुलाजमीन पर। बिल्कुल, ये स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये बात लिखी गई है कि जो TMA मुलाजमीन है वो रिश्वत लेते हैं, और यहाँ पर जावजाद की जो भरमार है वो ज्यादा होती जा रही है। रीगल रोड जो का जो इलाका है, जहाँ पर थाना कोतवाली भी है, थाना जंग बाजार भी है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानदार है उन्होंने अपनी दुकान के सामने सामान लगा रखा है, और यहाँ पर आके मोटरसाइकिल रिक्शे वगैरह खड़े होते हैं, पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, सड़क बंद हो जाती है, और अक्सर यहाँ पर खवातीन खरीदारी के लिए आती है, तो यहाँ पर वाश किस्म के लड़की लड़कियां भी जो है वो नजेबा हरकत करते हुए नजर आते हैं। ऐसा जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में वाजे किया गया है, और ये लिखा गया है कि ये जो अमला है TMA का, ये मिली भगत से रोजाना की बुनियाद पर दुकानदारों से भत्ता लेता है और आंखें बंद करके बैठा है कि यहाँ पर चाहे जहाँ पर हुआ है। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया शाही। पुलिस की मुदय्यत में वकील के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? लाहौर के वकील पुलिस के खिलाफ डट गए। सेशन कोर्ट की तालाबंदी करके एहतजाज करने लगे। अरशद विर्क से मजीद जानते हैं। जी अरशद, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर की सेशन अदालत के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ वकला की तरफ से एक दफा फिर हड़ताल करके अदालतों की तालाबंदी कर दी गई है, और इस वक्त किसी भी गेट से साइलिन को अंदर जाने की इजाजत नहीं। हमने ही नहीं साइलिन को इंसाफ लेकर देना है, तो हम उस वक्त तक ये गेट नहीं खोलेंगे जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि जब तक उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने एक बेबुनियाद FIR दर्ज की, उस वक्त तक ये गेट नहीं खुलेंगे। और कहा यह जा रहा है कि जब वकला को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वकला बाकी लोगों को, आम लोगों को कैसे इंसाफ लेकर दे सकते हैं। और यही वजह है कि आज सेशन अदालत एक दफा फिर बंद है, गेटों को ताले लग चुके हैं, और वकला के अलावा किसी साहिल को अंदर जाने की इजाजत नहीं। और अब आपको खबर देते हैं खेल के मैदान से। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कज़ाफी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। 24 खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दिया है। कज़ाफी स्टेडियम में कैंप के पहले सेशन में खिलाड़ियों ने फिजिकल फिटनेस के लिए मुख्तलिफ वर्जिशें की। दोपहर के सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस होगी। कैंप में हसन अली और बाबर आजम को ICC वनडे कैप्स भी दी गई। और अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आपके पास हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।